नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। बड़ी खबर प्रयागराज जिले से है। थाना थरबई क्षेत्र के हेतापट्टी गांव में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं के निवासी शिववरण जी ने बताया कि जमीन में रजिस्ट्री कराया हूं, लेकिन कब्जे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत थाना थरबई तहसील फूलपुर एसडीएम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को की गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मीडिया के सामने शिववरण जी ने अपना दर्द बयां किया और पूरी दास्तां मीडिया से बताई। आइए देखते हैं खुद पीड़ित कैसे न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो चीफ सुशील कुमार प्रयागराज बताइए, क्या घटना घटी है आपके साथ में? घटना ये घटी है कि मैंने एक ग्राम हेतापट्टी में मैंने जमीन खरीदा हूँ, बैनामा कराया हूँ। मोहम्मद ऐनुल हक उर्फ असलम गांव के ही निवासी हैं और शमसुल दोनों भाई हैं, पुत्र रहमतुल्ला, इनसे मैंने बैनामा कराया हूँ। गांव के खड़ाहर था इनका घर और बेच रहे थे, हमारे घर से बगल था, इसलिए मैंने उनसे खरीदा था। ये मेरा बैनामा है, रजिस्ट्री का पेपर है। बैनामा दिखाइए कागज। ये मेरा बैनामा है, ये बैनामा है हमारा, मैंने रजिस्ट्री कराया हूँ। उसके अलावा गांव के ही दबंग लोग जो है, क्योंकि ये पुरानी आबादी लगी है, गांव के दबंग लोग ऐसे हैं कि उस खतौनी जिसमें आधा गांव बसे हैं उसकी खतौनी निकाल के आधार कार्ड ले करके उसको स्टे करा दिए हैं। स्टे करा करके अब गांव में जो ही लोग घर बनाते हैं उन लोगों से धन उगाही करते हैं, उन लोगों का ये काम है। और मैंने थाने में इसका शिकायत किया, तहसील दिवस समाधान में ये पत्र है हमारा और हमने समाधान दिवस में भी दिया हूँ। हाँ, ये भी है। मैंने कप्तान किया भी इनका शिकायत किया था, लेकिन ये लोग जो है पूरा रजिस्ट्री के साथ भी दिया हूँ, वैसे रजिस्टर पेपर भी दिया था और रजिस्ट्री भी किया हूँ हमने, पूरा सारे लोगों को मैंने उपलब्ध गया उच्च अधिकारी को दिया हूँ, सबको पूरी रिपोर्ट यहाँ संरक्षण करके जांच किए, पूरे गांव से जांच किए ये किसका है कैसा है। इसके अलावा भी वो लोग जो है इतना दबाया गया, माननीय एसडीएम साहब महोदय के समझाने के बावजूद भी जो है ये लोग उच्च न्यायालय में जाकर के आप अपनी बात रखिए, उन्होंने इतना हमें हरेसमेंट कर दिया कि आधा गांव के खतौनी निकाल करके जितने लोग गांव में घर बनाते हैं सबसे धन उगाही का काम करते हैं। कौन कौन करता है? ये हैं अनिल सिंह हैं, पंचू हैं, भाई हैं, ये लोग पांच छह भाई हैं, दीपक हैं, एक रमेश केसरवानी हैं, श्रीचंद केसरवानी है, ये सबको ये गेम है, ये सब गेम बना करके जबरन मारते हैं, जबरन गरीबों को वसूली करते हैं। वसूली कर अभी आप घर बनाना चालू कर दीजिए तुरंत आकर रोक देते हैं, देखो ये मेरा इष्टे है। आधा गांव को उन्होंने इष्टे दिखा करके ऐसा न्यायालय से इष्टे लाए हैं कि क्योंकि वो पुरानी आबादी है जिसमें कि 40-45 बीघा की आबादी है, उसमें काफ़ी लोगों का घर द्वार बना है, उसी घर द्वार में इन्होंने जो है इष्टे दिखा करके ये लोग जो है इसका जो है उसे धन उगाही करते हैं। ये लोग न्यायालय में इसका मामला चल रहा है और इनका जो है NBW भी हो गया है, गैर जमानती वारंट भी हो गया है। आज बताइए 7 तारीख का गैर जमानती वारंट हुआ है, 7 तारीख का, अभी तक बता रहे हैं थाना अध्यक्ष महोदय कि अभी तक हमारे पास नहीं आया। अब बताइए न्यायालय का पत्र कौन से गायब हो जाता है? थाना कौन सा लगाता है? थाना थरबई लगाता है। क्या जब सरकारी कागज नहीं बच रहा है तो इस सरकार में कोई न्याय मिल थोड़ी रहा है गरीबों को। इस सरकार में तो सिर्फ धन उगाही की काम हो रहा है। आप कितना न्याय करिए, आप न्याय पे रहिए, कहिए कि हम सुकून से जी ले, तो आप सुकून से नहीं जी सकते। अब बताइए आधे गांव के इष्टे करा करके जो कोई भी लोग घर बनाते हैं
उससे धन उगाही का काम करते हैं ये लोग उसको, और दबंगई अजबर जाति कहते हैं, मुकदमा चल के उठा लीजिए, नहीं गोड़ हाथ तोड़ देंगे, मार डालेंगे। इसकी शिकायत एक बार नहीं, हजारों बार मैंने शिकायत दिया हूँ, सारा पेपर मेरे पास है, लेकिन इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। न्यायालय से आया है, NBW भी आया है न्यायालय से, 7 तारीख का न्यायालय ने न्यायालय से आदेश हुआ है, आज तक आज 27 तारीख हो गया, आज तक इन लोगों को न कोई गिरफ्तारी हो रहा है, न पकड़ रहे हैं, और ये लोग खुलेआम टहल रहे हैं। इन लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबरजाती एकदम गुंडेगर्दी कर रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, कहीं ईंट उपार रहे हैं, कहीं सरिया काट ले जा रहे हैं, कहीं मतलब जबरन अगर बोले तो लड़ाई हो, मारपीट हो, सही काम को सही काम नहीं हो पा रहा है। कैसे उम्मीद लगाया जाए कि इस सरकार में जो है गरीबों का न्याय मिलेगा। इसलिए हम माननीय थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसे, कार्रवाई करें, गलत हो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, 1% गलत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं उन लोगों के खिलाफ।